हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए आपको जानना डेफिनेटली ज़रूरी है। सो आप उनके इंटेंशंस के बारे में पता कर पाएंगे। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshina1369। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड डेफिनेटली आगे भी क्या होगा। ओके, सो वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द नाइन ऑफ कप्स, we do have the empress, yahan pe hai knight of pentacles, page of pentacles, bottom of the deck hamare paas hai temperance, okay, yahan pe hai leo, aquarius, gemini, libra, cancer, pisces, scorpio, taurus, virgo and capricorn। ठीक है, सो यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 8, 9, 3 and 14, दैट इज 5। सजिटेरियस एनर्जी भी यहाँ पे है। ओके, सो अगर मैं वेरीफाई तो करूँगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मुझे इस तरह से इस कदर महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को लगता है अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ रहे, सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो जाए, लेकिन आप टेस्ट से मस्त नहीं होंगे, क्योंकि पहली बात तो है आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है कहीं ना कहीं पे कि ये इंसान जो आपके पार्टनर है वो आज अगर आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों के दरम्यान में मतभेद हो रहा है, कोई बात नहीं, एक समय ऐसा होगा ज़रूर कि वो सही हो जाएगा, वो सटीक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रियली दे आर वरीड अबाउट योर फीलिंग्स फॉर देम, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में जो सोच रहे हो और यही सोचना और यही भावनाओं में क्या बहते जाना है और आगे का क्या कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है, वो चाहते हैं इमीडिएट, राइट, कुछ इसमें नतीजा निकल के आए, फैसला वो लेना चाहते हैं। ऐसा ज़रूर समझते हैं कि दैट यू आर वेरी टफ, यू आर वेरी मच, यू कैन से यू कैन बी सिंपल, बट घने घने पे आपके जो एक्सटीरियर साइड है काफ़ी ज़्यादा टफ है, सो आप इजीली डील कर पाते हैं, आप डिटरमाइंड है, ठीक है, कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। आपके पर्सन को लगता है आपको हिम्मत आता कहाँ से है, आप कहाँ से इतना मोटिवेटेड होते हो, आप इतना स्ट्रांग सारे सिचुएशंस में कैसे रह जाते हो। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शौकीन आप हो कुछ चीज़ों में, यू वॉन्ट लग्जरी, यू वॉन्ट फाइन आर्ट्स, यू वॉन्ट न्यू ड्रेसेस, यू वॉन्ट गुड फूड, एम्बियंस, एवरीथिंग। सो क्या वो आपके जो ख्वाहिश है, आपके जो ज़रूरत है, क्या वो उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे? मे बी योर प्रोफाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन, मे बी योर बैकग्राउंड डेफिनेटली इज़ डिफरेंट, मे बी यू आर इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑल टुगेदर, आपके कम्युनिटीज़ में भी डिफरेंट है, राइट, यहाँ भी मुझे दिख रहा है आप शायद उनके सामने, ठीक है,
हो सकता है कि इट्स लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन आइसक्रीम एंड लेमन वाटर, इट्स लाइक दैट। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट इन एवरी टाइम, बट दोनों का मकसद क्या है? जब गर्मी में आइसक्रीम खाया जाता है और नींबू पानी पिया जाता है लेमनेड, तो दोनों से ही शांति मिलता है, राइट? सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन, तो ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली आप दोनों एक हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुदरत ने शायद सोच के आप दोनों के रिश्ता को बनाया है, तो आप वो किसी भी हालत में उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। दिस रिलेशनशिप इज लाइक अ वन इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देम, यू नो व्हाट? उनको लगता है कि ये बहुत अजूबा रिलेशनशिप है, ये पहले किसी भी रिलेशनशिप में उन्होंने ऐसा नहीं महसूस किया है, दैट्स वाई दे फील, अदरवाइज वो क्यों फील करते हैं? ये इंसान को लगता है कि एक बार आप आ गए ना तो उनको पैसा भी नहीं चाहिए, यू कैन सी द मनी प्लांट्स ओवर हियर। सो उनको लगता है कि आप उस फाइनेंस, उस मनी, डेफिनेटली एसेट, उससे बहुत आगे बढ़े हो आप, आगे हो आप, ठीक है? उस चीज़ मतलब उनके लिए अभी वो सेकंड प्रायोरिटी बन रहा है, पहले एक समय में उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वही था, पैसा कमाना, रोजगार करना, मौज मस्ती करना, कैजुअल रिलेशनशिप रखना, उस तरह से। बट नाउ दे फील डिफरेंट, दे फील नहीं, सब कुछ में बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा ही पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कुछ किसी के मतलब साथ अगर आप देना चाहते हो तो उसका साथ दो। अभी इनको यही फीलिंग्स हो रही है, अभी हम धीरे धीरे उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, व्हाई द स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? व्हाई द स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर, ठीक है, अपने आप से गिरा। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? पहले मैं निकाल देती हूँ। व्हाई देयर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वी डू हैव इज अ टाइम फॉर अ चेंज, व्हाई नॉट? एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है? व्हाई देयर इज एम्प्रेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, यस, व्हाई नॉट? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? लिसन टू द इटरनल सॉन्ग ऑफ योर सोल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई इट इज देयर? Rise above the dark days of life. Yes. Why there is temperance card? Temperance card यहाँ पे क्यों है? You are experiencing a spiritual blossoming. Okay. समझा देते हैं सब कुछ, ठीक है? इनकी आधार, इनकी शक्ति, कहीं ना कहीं पे हम जानते हैं कि शक्ति जो है वो एक फेमिनिन एनर्जी है। ऑल राइट, एंड ये इंसान चाहे अभी मैस्कुलिन एनर्जी में हो, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी में हो, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। दिस इज द मैस्कुलिन एनर्जी बिकॉज द लायन इज अ मेल ओवर हियर, मेल लायन है और यहाँ पे फीमेल एंटिटी है, राइट? ये इंसान आपके बिना अधूरे महसूस करते हैं, इनको लगता है कि अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं हो, 18 इज अ कार्ड ऑफ ना यू नो व्हाट, लाइक उनको ऐसा लगता है कि वो भटक जाएंगे, उनके साथ कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम्स, वो कहीं पे अपने आप को खो देंगे दुनिया में, इस वीरानियों में वो अपने आप को खो देंगे आपके बिना। तो ये जीना चाहते हैं आपके साथ, दे वॉन्ट टू लिव इन द करेंट सिचुएशन, दे वॉन्ट टू फील द सिचुएशंस विद यू। अगर ये इनको आपके साथ मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी फेस करना पड़े तभी भी ये रेडी है, लेकिन आपके बिना नहीं, ठीक है? आपके बिना इनको कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? यहाँ पे द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक इंसान, अभी देखो कितना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने शौक के लिए भाग रहा था या भाग रही थी,
मुझे तो सिर्फ अपना ही पड़ा था और मैं इतना ज़्यादा मतलब अंधा हो गया कि मुझे ना किसी की भी ज़रूरत को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। आपका भी ख्वाहिश तो उनको पूरा करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं भी कमिटमेंट दिया बट दे हैड विथड्रॉन देमसेल्व्स। साथ रहने का कमिटमेंट दिया, वचन निभाने का हो गया बट वचन निभाया नहीं। ओके, नाइन ऑफ कप्स इज अ टाइम फॉर अ चेंज। ऑब्वियसली उनकी अभी क्या ख्वाहिश है, व्हाट इज देयर टेंथ कप विश, इज द टाइम फॉर अ चेंज। डू नॉट वेट और पुट अप डिसीजंस एनी लॉन्गर। ये इंसान और कोई फाइनल डिसीजन डेफिनेटली लेने वाले हैं, मे बी दे कैन टेक विद इन अ वीक। ये और इंतजार नहीं करेंगे और कोई भी इनको रोक नहीं पाएगा आपके तरफ आने के लिए। ठीक है, सो दे आर टोटली एक्साइटेड। इवन अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तभी भी मुझे दिख रहा है, पता नहीं यार, एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज इस कार्ड्स में। द एम्प्रेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। एम्प्रेस वही होते हैं जिनके पास सफलता खुशियाँ का बौछार होता है। सो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने करंट सिचुएशन में ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो, काफ़ी आपके पास सब कुछ है। और जिसके पास सब कुछ होता है, लाइमलाइट में रहते हैं ना, उसी के साथ निभाने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं। तो वो क्यों नहीं, वो तो आपको प्यार करते हैं, वो क्यों आपका साथ नहीं दे सकते, वो क्यों आपके करीब नहीं आ सकते। ठीक है, सो द एम्प्रेस स्पीक्स अबाउट अ लॉयल, यू कैन से अफेक्शनेट रिलेशनशिप। उनको ऐसा लगता है कि आप ही से योग्यता रखते हो, उनके संसार आप ही के साथ शुरुआत होता है और आप ही के साथ ख़त्म भी होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू गिव अ सॉलिड कमिटमेंट टू यू बट द थिंग इज दैट कि उन्होंने ऐसा अचानक डिसीशन वो ले रहे हैं। पहले तो वो इतना डिले कर रहे थे, वो ले रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा जो है, अंतरात्मा जो है आपके साथ मिल रहा है। द टू सोल्स आर नाउ गेटिंग ready to get united, right? So listen to the eternal song of your soul, tune into it and learn to trust it. पहले उनको इस connection में ना थोड़ा तो मतलब जैसे बोला जाता है ना कि उतना ज़्यादा उनको strong नहीं feel हो रहा था, right? कभी कभी वो डगमगा भी जाते हैं, क्या करेंगे पता नहीं भी चलता है, but they want to harvest in it. यहाँ पे क्या है, कटाई का मौसम आ रहा है, right? So यहाँ पे क्या है, फसल को काटने का भी time हो गया है। बहुत दिन तो ये मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स चल ही रहा था, तो इसको समाधान करना है इनको, और नहीं चलाना चाहते वो सब चीज़, डिले नहीं करना है। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, डू नॉट फाइट देम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। यहाँ पे जो है लाइट, और यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट। सो बेसिकली क्या है ना, 13 इज द नंबर फॉर डेथ कार्ड। सो ब्राइट ट्रांसफॉर्मेशन दे वॉन्ट इन दिस रिलेशनशिप। चाहते क्या है, चाहते है, मैंने आपको ये कहा था कि मैजिकल एंड वंडर्स हो जाए, लेट द मैजिक बी देयर, होने दो ना मैजिक। क्या होता है, बहुत सारे लोगों की तो जीवन बदल जाता है। क्या ये मोहब्बत उसका फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेगा? ठीक है, यहाँ पे क्या है, द टेम्परेंस एंड इट इज लाइक दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। Temperance is also the harmony of two souls, the divine masculine and the divine feminine. So ये चाहते हैं, देखो 1331 मुझे दिख रहा है, ये चाहते हैं आप दोनों की एक नई कथा जो है, ठीक है, एक नई जो एक जीवन जो है वो शुरुआत हो। जिस तरह से होता है ना कि शादीशुदा जोड़ी को, अगर वो शादीशुदा नहीं भी है तो भी होगा, बिना शादी के भी लोग, ठीक है, इस तरह से मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं कि जब भी वो शादी करेंगे और उसके बाद उनका जीवन जो है पूरी तरह से एकदम सटीक रहे, कोई उनसे एक दूसरे के साथ कोई गलती ना हो जाए, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ना करें। भगवान से यही तो आशीर्वाद मांगते हैं जोड़ी। तो आपके पर्सन भी ऐसा ही चाहते हैं कि देखो, किसी के पास जाए, दुआ मांगे, कहीं पर भी जाए, आप दोनों एक साथ जाए और फिर आपके जीवन जो है बहुत स्मूथ हो। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट। सो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि आपको क्या करना है, व्हाट इज योर, ओके,
व्हाट यू नीड टू डू, क्या आपको करना चाहिए इस वक्त, व्हाट डू दे नीड टू डू, मेरे व्यूअर्स को क्या करने चाहिए. नेचर इज कॉलिंग यू इफ इट वांट्स टू टच फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद द हीलिंग पावर्स. कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है, 20 इज अ नंबर फॉर द जजमेंट कार्ड. यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर ये रिलेशनशिप सटीक है तो आपको इस रिलेशनशिप में आनंद ही आनंद मिलेगा. आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पूर्णता मिलेगा. आपको इस रिलेशनशिप में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो. लेकिन एक यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है. बिकॉज दिस इज जनरल प्रेडिक्शन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव सेड कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए पॉइजनस रहेगा इन द फ्यूचर, मे बी फॉर 1 or 2%, फिर ये कनेक्शन नहीं होगा. क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है, इससे मायूस मत होना, बिकॉज करंट फीलिंग्स विल अगेन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये ज़रूर होता है कि जो हम बहुत अच्छा सोच लेते हैं ना, वो प्लान हमें बर्बाद कर देता है. सो भगवान भी क्या करते हैं, यूनिवर्स भी क्या करते हैं ना, हम बर्बाद होने से पहले वो प्लान को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. सो इन नेचर इज ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट यू. आपको कुछ नहीं करना है, यू बी इन योर ओन पाथ. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड